गया मैं जिंदगी की राह में, देखता जला गया मैं जिंदगी की राह में। मैडम कोई ठेका वेगा मिल गया क्या? ठेका किस बात का भाई? भाई मतलब कुछ पैसे तो मिलने होंगे ना कुछ, ये इस बात के पैसे, हमारा शहर है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है भाई, अपना काम कर रहे हैं, अपने शहर का टाइम निकाल के अपने शहर की सफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सर सफाई कर रहे हैं शहर की, शहर की सफाई। बिल्कुल क्या कुछ मतलब आप भी जाती बातें, मेरा इतना शहर है जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं, हमारा शहर है, हम इसको ओन करते हैं। बताएं आई ओन कराची, व्हाई नॉट आई ओन पाकिस्तान? ये इसलिए फिनोमेना ये सामने आया है कि सबसे पहले तो कराची की जो जोग्राफियाई और माशी जो सूरत हाल है और जो उसकी अहमियत है उसको सामने रखते हैं, और दूसरा पैगाम पाकिस्तान की आवाम को ये देना है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, पहचानें, ना कि हम सारी जिम्मेदारियां हुकूमत और गैर हुकूमती इदारों पर लाद कर अपने आप से बरी और जिम्मा हो जाएं। यार मुझे एक बात बताओ, इससे पढ़ाई का टाइम डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं सर, पढ़ाई अपनी अलग जगह है और ये हमारे हमारी जिम्मेदारी है, ये सेमेस्टर निभा रहे। अच्छा कोई यार मतलब इस वक्त तो तुम्हारी जो उम्र है इसमें तो लड़के कहीं बहुत बिजी होते हैं, फ्लैट वलेट के नीचे खड़े हुए कहीं इधर उधर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, कहीं कोई पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, तो तुम ये सारा काम करके इसमें दिल लग जाता है? बस सर ये अपनी खुशी से करते हैं सब, क्या तकलीफ होगी, अपनी सिटी है उसको साफ करना हमारा फर्ज है। नहीं एक दिन या एक घंटा निकालना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? मैं पेंट कर रहा हूँ। अरे इतने छोटे से आप पेंट कर रहे हैं, सही हो रहा है पेंट? कराची आज 23 मार्च का दिन है, बड़ी खुशी हुई कि हमारी नौजवान नस्ल इस तरफ रागिब हुई कि उन्हें सिर्फ अपना घर ही नहीं अपना शहर भी साफ रखना है, और ये उनका एक कौमी फरीजा है। और खुशी उस दिन होगी जिस दिन आई ओन कराची से निकल के बात आई ओन पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी।